और यही बीच एक बड़ी खबर आप मतलब बता देते हैं रायपुर ले बड़ी खबर, जहां भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी पहली बैठक लीन है। आप मतलब बता दें ओम माथुर अब चुनाव प्रभारी बनाए गए पदाधिकारी मन के वो बैठक लीन है ओम माथुर। और आज ही भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी ओमन बनी ने तो बैठक में सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया गलुक मौजूद रही। और रायपुर के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुआ थे। और प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता मौजूद हैं। जो आगामी 4 महीने की हमारी कार्य योजना है जिस पे हमको काम करना है, संगठन को गतिशील कैसे बनाना है, और चूंकि अब 110 दिन बाद 120 दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जो जो बातें होती है उस पर चर्चा हुई। राजेश मिश्रा हमारे स्विगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश, आज ओम माथुर चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और आज वो एक्शन में आ गए, कहे जा सकते मतलब बहुत तेजी ले बीजेपी आगे बढ़ना चाहती। देखो सबसे पहले मैं आप मतलब बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जैसे यहाँ से उड़ के दिल्ली मतलब आगे रवाना हुई गोरखपुर, उसी समय घोषणा हुई कि अब छत्तीसगढ़ में जो चुनाव प्रभारी चुनाव हो गया है उसका प्रभारी ओम माथुर बना दिए, जो पहले से छत्तीसगढ़ के प्रभारी रही उसके अलावा सह प्रभारी बनाए गए हैं मनसुख भाईला। ये दोनों जन जब घोषणा हुई तो रायपुर में रही, तो ओकर कारण जैसे घोषणा हुई तो फिर एमन जो है दोनों जन पूरे प्रदेश के पदाधिकारी मनला बैठक बुलाई और अभी बैठक वहां चलत है। अब इस बैठक में महत्वपूर्ण ये चीज कि अब चुनाव हो गया है तो चुनाव में जो चुनाव पद अभियान समिति के घोषणा करना है, चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा करना है, चुनाव प्रत्याशी चयन समिति की घोषणा, तो बहुत सारे समिति की अब घोषणा करना है। अब चुनाव जो अवैया है तो कैसे कहाँ काम करना है, आगामी 4 महीने में कैसे कैसे काम हुई, कौन कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन कौन सा जिम्मेदारी देना है, ये तमाम मुद्दा लेकर ये दोनों पदाधिकारी और सब पदाधिकारी आज प्रदेश के जैसे पदाधिकारी मन है ओकर साथ बैठक करते हैं। अभी चलत है कुशभाव ठाकरे परिसर में, एमा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और जो प्रमुख नेता मन है वो बैठे हैं। बैठक यहाँ चलत है। इस बैठक में कुल मिलाकर आगामी चुनाव में कैसे कैसे क्या करना है, समिति कैसे बनाना है ओकर लेकर चर्चा यहाँ पर चलत है। जी जी राजेश, ये बैठक तो हो गई लेकिन अमित शाह के दौरे के बारे में बात पता चला था, खबर मिला थे का ओखर दौरा फिर हो सकते का? देखो अमित शाह जैसे यहाँ पे आए जब पहले आए इस दुरुप में उमा भी सभा के दौरान वो बोले रही कि अब मैं लगातार आ रही हूँ, हर महीना ओकर दौरा हुई ओकर बाद फिर ओकर 15 दिन के अंदर फिर वो आई 2 दिन में यहाँ पे बैठक लेके गए सब पदाधिकारी मन के रणनीति बना के गए है और ओकर बाद ये सब परिवर्तन हुआ थे, नया जिम्मेदारी लोग मन न मिला थे। तो अभी जैसे अपन बैठक चलत रही तो ओकर बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह निकली समझ पूछन की 14 तारीख फिर आते क्या अमित शाह, तो बोली थी अब अमित शाह के लगातार दौरा होत रही और ओकर सांसद और राष्ट्रीय नेता मन आई, तो चर्चा ये है और जानकारी ये मिली है की 14 तारीख को फिर अमित शाह आते और फिर बहुत गंभीरता और राजनीतिक तरीका ले अब बीजेपी चुनाव डहर बढ़त है समझ में आवत है। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आप मन के।